नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाठी, हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम, कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बूढ़ी अम्मा की बात, इस टॉपिक की हम शुरुआत कर देते हैं। बूढ़ी अम्मा की बात एक लोककथा है, ये संकलित है, जो संकलन होता है उसमें से इसको लिया गया है। बूढ़ी अम्मा की बात लोककथा की ओर हम चले जाते हैं। बच्चों, ये पाठ बहुत ही आसान है, सीधा बुढ़िया अम्मा की ये लोककथा है, बुढ़िया अम्मा की बात। बुढ़िया अम्मा क्या कहती हैं और किससे कहती है, क्या बात कहती हैं, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ लेने वाले हैं। एक किसान था, उसका नाम था गोमा मोरी। उसका नाम क्या था? गोमा मोरी। गुजर बसर करने लायक, मतलब अपना पेट भरने लायक उसको क्या थी, तो खेती थी। उसके पास कितनी खेती थी? गुजर बसर, अपना अपने परिवार का पेट वो भर सकता है, अपना जिंदगी वो चला सकता है, इतनी खेती किसके पास थी? गोमा मोरी के पास। गोमा मोरी कौन था? एक किसान था। ये देखिए गए किसान कौन था? गोमा मोरी। उसके पास जमीन कितनी थी? गुजर बसर करने लायक क्या क्या था? एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां, छोटा सा घर, और देखिए, और घर के सामने पशु बांधने का एक बाड़ा। किसान है तो इतना उसके पास होना भी चाहिए। किसान नहीं है, उसके पास बैल ही नहीं है, कैसे किसान बोलेंगे उसको? आजकल ट्रैक्टर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आसार सूखा ही रह गया, वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। आशा नहीं बनना कि मतलब कोई अपेक्षा ही नहीं करना, आशा नहीं बनना, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार का आसार या किसी भी प्रकार का कोई संकेत बारिश होगी बोल के नहीं था। खेत जोतकर क्या करूंगा। गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वो बैलों को हांकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। देखिए क्या अवस्था हो गई थी, कितने साल से बारिश नहीं हो रही थी? 3 साल से। उसके कारण क्या हो गए थे? न फसल हुई थी, न चारा हो गया था। अब चारा किस काम आता है? बैलों को, जानवरों को खाने के काम में आ जाता है। फसल आ गई तो लोगों का पेट भरेगा, चारा नहीं है तो जानवरों का पेट नहीं भरेगा। अब इस कारण क्या है कि इस वर्ष का आषाढ़ महीना भी सूखा ही गया। जिस महीने में वर्षा आरंभ होती है उसमें वर्षा हुई नहीं, वर्षा की कोई आशा ही नहीं थी। खेत जोतकर क्या करूंगा, मैं खेती करके क्या करूं? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ दी और मनी में मनी सोचा कि चलो मैं अपने घर चला जाता हूं। और बैलों को हांकते हुए वो अपने घर चला गया। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल और बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी। देखिए हिम्मत बटोरना, वैसे बटोरना तो इकट्ठा करना है, देखिए साहस बांधना, हिम्मत करना, साहस करना कि चलो यार एक बार फिर से करके देखते हैं, ऐसा करके, है कि नहीं? एक बार रहते हैं तो हमारा हिम्मत टूट जाती है, निराश हो जाते हैं, फिर से हम कुछ आत्मविश्वास जागृत करके फिर से एक बार बोलेंगे चलो एक बार करके देख लेंगे। हिम्मत बटोरिए और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, ए गोमा, खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। अभी वर्षा होगी ऐसा कब लगेगा हमें? जब बादल छा जाएंगे, हवा चलेगी, बादल आ जाएंगे, तब हमें लगेगा कि वर्षा हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी निशान नहीं थे। लोगों ने बोल दिया, तुम क्यों जा रहे हो भाई, है कि नहीं? बहुत सारे लोग हमें ऐसे ही कहते हैं। हम अगर पढ़ाई के लिए बैठते तो वो बोलते हैं, अरे एग्जाम कब है? मई महीने में। क्यों पढ़ाई करना है, है कि नहीं? बाद में करेंगे ना। ये भी वैसे ही है, किसान को टोककर कहा कि गोमा खेत जोतने से होगा क्या, अरे भाई क्या फायदा, कुछ है क्या? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, उसका उत्साह जितना था, जिसने उसने हिम्मत बटोर ली थी, उस हिम्मत को भी तोड़ने का काम इन लोगों ने कर दिया। गोमा ने सबकी बात सुनी, कई बार उसका मन डावा डोल भी हुआ, करू या न करू, बहुत बार होता है ना, हमारा मन कभी कभी डावा डोल होता है। मन अस्थिर होना, मन डावा डोल होना, लिखा है क्या मैंने, लिख दिया है,
मन अस्थिर होना, देखिए लिखिए आप भी लिखिए, मन डावाडोल होना, मन अस्थिर होना कि क्या खेती में जाऊं या न जाऊं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है बच्चों जब आपका मन डावाडोल होता है, आती है ना, खाना खाऊ या न खाऊ है, मतलब खाने के संबंध में तो होती है, क्या ये खाऊ या ये खाऊ, होता है क्या, मैं जाऊ या न जाऊ खेलने के लिए, अगर माँ इधर परेशान होकर माँ आपको ताकीद देती कि देख जाना नहीं है, लेकिन आपको आपके दोस्त बुला रहे जाऊ या न जाऊ, करूँ या न करूँ, हाँ ये जो स्थिति है उसको मन डावाडोल होने की स्थिति बोल देते हैं, जो मन को अस्थिर होना कहते हैं। वो मैंने सबकी बात सुनी लेकिन उसका मन डावाडोल हुआ, अरे यार क्या करूं मैं, खेती में जाऊं या ना जाऊं, फिर उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर चला गया। यार क्यों सुनना है किसी का, सोच के वो खेती में चला गया। उसने आकाश की ओर देखा, सूरज आगे आग के गोले की तरह जल रहा था, मतलब धूप ही धूप थी, कड़ी धूप। उसने धरती को भी निहारा, निहारना मतलब देखना, निहारना का मतलब क्या होता है, देखना। खेतों में गहरी चौड़ी दरारें पड़ गई थी, 3 साल वर्षा न होने के कारण क्या क्या परिणाम हो गए थे। इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो क्या लिखेंगे आप, खेतों में गहरी चौड़ी दरारें पड़ गई थी, वो बैलों को देखकर तो उसकी दशा से भी चिंतित हो गया था, भूख प्यास सहन करते करते बैल क्या हो गए थे, दुबले हो गए थे। देखिए बैलों के ऊपर क्या परिणाम हो गया था, वो दुबले हो गए, चारा ही नहीं है 3 साल से, वो थोड़ा निराश भी हुआ, उसे बैलों की दशा पर दया आई, उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे, खेत का जो बाउंड्री होती है ना, एक वृक्ष था, इस वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा, क्या करे, वह दया आ रही है, क्यों बैलों को हांकना है, क्यों उनको जोतना है, अरे उनके पेट में चारा ही नहीं है, बेचारे चलेंगे कैसे, क्या करें, खेत जोते या उसे यूं ही छोड़ दे या पड़ा रहने दे। वो सोचता रहा, थोड़ी देर बाद वो उठा और दुखी मन से बैलों को हांककर घर की ओर राह पकड़ ली। राह पकड़ लेना रास्ता पकड़ना, और मतलब चलने के लिए तैयार होना, रास्ता पकड़ना मतलब चलने के लिए तैयार होना, राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया, क्या निर्णय किया था उसने, देखिए कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक वर्षा नहीं होगी। देखिए हमारा यहाँ वाक्य का प्रकार अगर आप बोलेंगे तो ये वाक्य का प्रकार है, देखिए तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक वर्षा नहीं होगी, ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इसमें मिश्र वाक्य का प्रकार है बच्चों, जब तक खेत नहीं जोतेगा तब तक की वर्षा नहीं हो जाती, इस प्रकार का वाक्य है। उसने निश्चय कर दिया, धूप काफी तेज थी, दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया, उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की हिम्मत थी। रास्ते में एक मेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। दूसरे दिन तो वो खेती में जाते जाने से पहले ही वो एक जहां जिस दिन वृक्ष के नीचे बैठा था उसी वृक्ष के नीचे ही बैठ गया, जाने तो खेती में जाऊंगा नहीं, इधर ही बैठूंगा, बहुत निराश हो गया था। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई, देखिए बूढ़ी अम्मा की बात है ना, वही बूढ़ी अम्मा, यहाँ ये बूढ़ी अम्मा आ गई, ये गोमाए, वो भी उसे पेड़ के नीचे बैठ गई, वो भी बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बुढ़ी अम्मा कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में, अरे भाई कहां से आ रही हो भाई, इतनी धूप तेज है कहां जा रही हो, तुम्हें किधर जाना है। बुढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं, लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो। बूढ़ी अम्मा ने प्रश्न गोमा से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तुम इस समय क्या कर रहे हो, ये समय तो खेत में हल जोतने का है भाई, यहाँ आराम करने का थोड़ा ही है, ऐसे बूढ़ी अम्मा ने गोमा से कह दिया, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है। देखिए प्रश्न आएगा कि बूढ़ी अम्मा ने गोमा से क्या कह दिया, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है, कहीं तुम्हारा हल तो टूट तो नहीं गया है, कहीं हल तो नहीं टूटा है भाई, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। ये समस्या के बारे में बूढ़ी अम्मा ने गोमा से ये बात कही थी। अब देखिए, लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है, कहीं तुम्हारा हल तो टूटा नहीं है।
गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं, नहीं मेरे बैल बीमार है, मेरा हल भी नहीं टूटा है, टूटी है तो मेरी हिम्मत टूटी है, मैं निराश हो गया हूं, अतो उत्साहित हो गया हूं, बारिश नहीं हो रही 3 साल से, मेरी हिम्मत टूट गई है, मैं निराश। हिम्मत टूटना, निराश होना, हार मानना, मैंने हार मान ली है, इसलिए मैं अब खेत जोतने के बजाय मैं यहीं बैठा हूं। अम्मा तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है, इस वर्ष भी यही हाल है, खेत जोतकर मैं क्या करूं? इस प्रकार का प्रतिप्रश्न गोमा ने बुढ़ी अम्मा से कह दिया। बुढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, है कि नहीं? अम्मा बोली, देखो बेटा वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, है क्या? गोमा ने बोले, नहीं है, ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है क्या? नहीं, ये तो प्रकृति पर निर्भर है, ये तो नेचर है ना, वर्षा तो प्रकृति पर निर्भर है, जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। प्रश्न काल पहचानिए में ये वाक्य आ सकता है, जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी, इस वाक्य का काल क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा, तो ये है भविष्यत काल। देखिए, होगी वर्षा, होगी स्कूल ओपन होगा, ठीक है ना? तुम्हारा काम है खेत जोतकर तैयार करना। देखिए, वर्षा तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में क्या क्या काम है? तुम्हारे हाथ में परीक्षा की तैयारी करना काम है। परीक्षा कब होगी, क्या होगी, तुम्हारे हाथ में है क्या? वो तो मैनेजमेंट के हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसकी पढ़ाई करना तुम्हारे हाथ में है। परीक्षा लेना, उसके परिणाम क्या होंगे, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो उस मैनेजमेंट या टीचर बाद में आपको बता देंगे। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अभी यही है, बस हमें जम के पढ़ाई करना, ये हमारे हाथ में है, अपने हाथ में। तो किसान के हाथ में काम क्या है? किसान के हाथ में खेत जोतकर जमीन तैयार करना, ये किसान का प्रमुख काम है। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। ये बात बूढ़ी अम्मा ने गोमा से कह दी कि वर्षा अवश्य होगी। क्या होगी? वर्षा अवश्य होगी, तुम अपना काम करो, प्रकृति अपना काम करेगी। इस प्रकार का एक हौसला बूढ़ी अम्मा ने गोमा का बढ़ाया था। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बात मत करो, पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही, यहाँ पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं, और देखो आप पेड़ भी कहाँ बचे हैं, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएगी, अगर अधिक पेड़ अधिक होते तो वर्षा अवश्य हो जाती। देखिए, वर्षा न होने के कारण में से एक कारण यहाँ बूढ़ी अम्मा गोमा से बता रही है कि पेड़ों की कटाई अधिक होने के कारण वर्षा नहीं हो रहे। क्या आप बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत है? अगर सहमत है तो वर्षा न होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जरा मुझे बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं वर्षा न होने के कारण, ठीक है ना? अधिक ये प्रदूषण भी वर्षा न होने का एक सबसे बड़ा कारण है, पेड़ की कटाई है, प्रदूषण है, ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या उसको बोलते हैं हम, हाँ, नेचर पूरी तरह से चेंजेस होता ही जा रहा है, हर साल आप देखते हैं कि वर्षा का एक चक्र समाप्त होने की तरफ जा रहा है, कम 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 बारिश होती जा रही है, लेकिन प्रदूषण सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है। पेड़ की कटाई तो है ही है, हम पेड़ लगाने के बजाय पेड़ की कटाई ज्यादा कर देते हैं। चलो ठीक है, सारे जंगल से पेड़ की कटाई जारी है, पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहां से होगी, और हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं होगी, ये बूढ़ी अम्मा ने ये बात कही, लेकिन जो हुआ सो हुआ। चलो ठीक है, अब तो तुम लोगों को पेड़ लगाने पर ध्यान दे दो, तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ और उन्हें हाथ जोतकर बोने के लिए तैयार करो, इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। फिर से बूढ़ी अम्मा ने गोमा की हिम्मत बढ़ाई, बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई और उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल पड़ी। कहां जा रहा था उसे? नातिन को मिलने, वो नातिन को मिलने के लिए चल पड़ी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ गई थी, हिम्मत उसकी बढ़ गई थी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह के साथ अपना खेत जोतना शुरू कर दिया, उसे लगातार 4 दिन तक हल चलाया,
खेत खूब अच्छी तरह से तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न हो गए। देखिए मनुष्य प्रसन्न कब होता है, मनुष्य अगर अपना हर दिन का कार्य समय पर करता है तो प्रसन्न होता है। आप एक बार करके देखिए, आप एक पाठ पढ़िए जोर से, आपको कितना अच्छा लगेगा कि कोई आदमी नहीं मिलेगा मुझे दुख हुआ है। आप देखिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और खेलने में कितना मजा आएगा, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट नहीं है तो हमें लगता है पढ़ाई रह गई है। देखिए आप काम करो खुश हो जाएंगे। अपना खेत जोतना शुरू कर दिया उसने, लगातार चार दिन तक हल चलाया, खेती खूब अच्छी तरह से तैयार हो गई। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वो बैलों का हांकते हुए घर की ओर चल पड़ा, पूरी राह वो गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह से आई। काम करेंगे तो आपको नींद भी आ जाएगी, ठीक है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। बोलते वो गुनगुनाते हुए वो अपने घर चला गया। अच्छी तरह से नींद आई उसे, चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वो निढाल होकर सो गया। निढाल होना निश्चिंत होना या थक, और एक थक जाना भी है इसका, तो थक जाना। वो निडाल होकर सो गया, मेहनत के कारण वो थकने के कारण वो आराम से सो गया। सवेरे वो सोकर उठा तो गाय रंबा रही थी, रंबा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की आवाजें सुनने के लिए उसके कान भी तरस गए थे, कभी भी आवाजें उन्होंने नहीं की थी। वातावरण में फर्क हो गया था, सारी खुशियाली आने वाली थी, कान तरस गए थे। वो पुलक कर मतलब आनंदित होकर, प्रसन्न होकर पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से ही आवाज लगाई, अजी सुनते हो, ओहो बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया, उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया था, आसमान में बादल घुमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भर निहारा, मतलब मन भर के देखना, निहारा मतलब देखना, और पूरा मन जितना होता है उतना उसने उस बादलों को निहारा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये बादल उसको दिखाई दे रहे थे। मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की बात मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई और उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रहकर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही है, वो बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता है। तभी बारिश और तेज हो गई, इस प्रकार बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है बच्चों, गृह कार्य के रूप में ये शब्दार्थ देखिए, निहारना गौर से देखना, हाँकना चलना, खेत जोतना, उम्मीद आशा, हाँ उमड़ घुमड़ना, ये सारे शब्दार्थ हैं। उसके बाद इस पाठ के ऊपर का जो गृह कार्य है मैंने अलग से भी आपको दिया है, लेकिन यहाँ ये दो तीन प्रश्न दिए। लोककथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँककर घर की ओर क्यों चल पड़ा था, क्योंकि 3 साल से वर्षा नहीं हो रही थी। गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, उसकी हिम्मत कैसे बढ़ाई, उसके बारे में आप लिखे। गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता, बूढ़ी अम्मा ने उसको खेत जोतने के लिए प्रोत्साहित किया था इसलिए जोता। तो यहाँ मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाठ को देखें, किताब को पढ़ें और ये होमवर्क करें, आपको बिल्कुल आसान लगेगा।